नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इसराइल के खिलाफ एक्शन नहीं, 57 मुस्लिम देशों की मीटिंग में नहीं बनी सहमति, सऊदी यूएई समेत 7 देशों ने रोका प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के जेदाह में 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन की मीटिंग में इसराइल के खिलाफ ठोस एक्शन पर सहमति नहीं बन सकी और यह रस्मी बयानबाजी के साथ खत्म हो गई। यह मीटिंग गाजा में जारी इसराइली हमलों के मद्देनजर बुलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की समेत कुछ देशों ने सीज फायर की मांग की थी। अल्जीरिया, लेबनान जैसे कुछ देशों ने इसराइल के खिलाफ तेल की सप्लाई रोकने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन सकी। इस मीटिंग में कहा गया कि गाजा पर इजरायल के हमले गलत हैं और इजरायल का यह कहना है कि वह आत्मरक्षा में हमले कर रहा है, यह कतई ठीक नहीं है। अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की मीटिंग में कहा गया कि इजरायल के हमले यदि जारी रहे तो फिर दूसरे देशों पर भी सीधा असर होगा और अब तक 12,000 लोगों की मौत हो जाने से मिडिल ईस्ट के देशों में गुस्सा देखा जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस्लामिक देशों को इजरायल की सेना को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने ओबीसी को नहीं दिया आरक्षण, दिल्ली से आए कुछ ज्ञानी नेता, राहुल गांधी के वार पर पीएम नरेंद्र मोदी का पलटवार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में विजय संकल्प महारैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ ज्ञानी नेता अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मोदी तो ओबीसी है, इससे पहले देश को जो चुनाव हुए उसमें यह लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 10 नवंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे भाइयों और बहनों में ओबीसी हूं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश में सिर्फ एक जाति है, गरीब। जब से कांग्रेस ने जाति जनगणना की मांग की है तब से नरेंद्र मोदी जी के दिमाग से जाति गायब हो गई है, क्योंकि वह ओबीसी, दलित, आदिवासी युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रणतुंगा का आरोप, जय शाह चला रहे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, पूर्व कप्तान ने कहा भारतीय दखल के कारण हमारा बोर्ड बर्बाद हुआ। जी हां दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रणतुंगा ने कहा कि जय शाह का श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों पर दबदबा है, उनकी मिलीभगत की वजह से ही श्रीलंका की क्रिकेट का बुरा हाल हो रहा है। श्रीलंका की टीम भारत में चल रहे वनडे वर्ल्ड कप में 9 में से 7 लीग मैच हार गई और 10 टीमों में 9वां स्थान हासिल कर पाई। श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गया और साथ ही 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड कप विजेता बनाने वाले कप्तान ने कहा कि श्रीलंकाई क्रिकेट को जय शाह चला रहे हैं, जय शाह के दबाव के कारण हमारा क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो रहा है, भारत का एक शख्स श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में जारी रहेगा GRP4, मंत्री गोपाल राय बोले यूपी हरियाणा प्रदूषण के लिए हैं जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली पर राजधानी में फटाके जलाए जाने के चलते एकाएक प्रदूषण में हुए इजाफे के बाद सोमवार को दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों संग बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर फोड़ा। मीडिया से बातचीत के दौरान पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ग्रिड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 यानी कि GRAP4 के तहत प्रतिबंध दिल्ली NCR में आगे भी जारी रहेंगे। राजधानी में एंटी डस्ट कैंपेन को अगले 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं दोस्तों 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे, बच्चों की छुट्टियां आगे बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। गोपाल राय ने कहा कि AQM यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अगले आदेश तक दिल्ली में GRAP4 नियमों के तहत प्रदूषण विरोधी उपाय लागू रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में 2 बड़े सियासी उलटफेर, पूर्व पीएम कैमरन की 7 साल बाद सरकार में वापसी, भारतीय मूल की सुएला बेवरमैन बर्खास्त हुई। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की राजनीति में सोमवार को बड़े फेरबदल देखने को मिले। गृह मंत्री सुएला बेवरमैन की कुर्सी इजराइल और हमास की भेंट चढ़ गई। उन्होंने लंदन की पुलिस पर फिलिस्तीन समर्थक होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद पीएम सुनक ने जेम्स क्लेवरली को देश का नया गृह मंत्री नियुक्त किया। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून की 7 साल बाद राजनीति में वापसी हुई है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को सुनक सरकार में नया विदेश
विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, वह जेम्स केवरली का स्थान लेंगे। जेम्स को स्वेला की जगह गृह मंत्री बनाया गया है। इस तरह ब्रिटेन में बड़े सियासी फेरबदल हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप 2023 डीकॉक और रोहित करेंगे ओपनिंग तो जंपा जडेजा संभालेंगे स्पिन विभाग। इस वर्ल्ड कप के बेस्ट 11 में कोई पाकिस्तानी नहीं। जी हां दोस्तों, 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लीग स्टेज के सभी 45 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया और लीग स्टेज के अपने सभी 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की। वहीं दक्षिण अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर रही। इन चारों टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण से पहले आपको 2023 वर्ल्ड कप की बेस्ट 11 के बारे में बताते हैं। इस टीम का चयन खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड कप 2023 की बेस्ट 11 में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, जोस बटलर, बेन स्टोक और मिचेल स्टार्क जैसे दिग्गज खिलाड़ी नहीं है। इस टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को जगह मिली है जिन्होंने टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों इस टीम की बात करें तो इस टीम में रोहित शर्मा, क्वांटन डीकॉक, विराट कोहली, रचिन रविंद्र, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्को येंसन, रविंद्र जडेजा, एडम जंपा, जसप्रीत बुमराह और दिलशान मधुशंकर शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एक्सयूवी ईवीएक्स टेस्टिंग के दौरान दिखी। फुल चार्ज पर 550 किलोमीटर की रेंज मिलने का दावा, 2025 में लॉन्च होगी। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL की पहली इलेक्ट्रिक एक्सयूवी ईवीएक्स को गुरुग्राम में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया। कार को कंपनी के प्लांट के पास ही देखा गया। सोशल मीडिया पर लीक हुई स्पाई शॉट्स में कार कॉन्सेप्ट मॉडल की तरह नजर आ रही है। MCIL कार को 2025 तक लॉन्च करेगी। कंपनी ने कार को पहली बार इंडियन ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया था। इसके बाद इसी कार को अक्टूबर में जापान में हुए मोबिलिटी शो में लगभग प्रोडक्शन रेडी मॉडल को दिखाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोसाइटी में अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी को सताया जान का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी अर्जी। जी हां दोस्तों, नोएडा की एक सोसाइटी में मामूली विवाद में महिला से अभद्र व्यवहार करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। त्यागी ने अपनी अर्जी में मांग की थी कि राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय में शेप करने के इच्छुक नहीं है, लिहाजा याचिका को खारिज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी ने दी नई जिम्मेदारी, टीएमसी सांसद ने कहा थैंक यू। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को सोमवार को अहम जिम्मेदारी दी। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने मोइत्रा को पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। कृष्णा नगर सीट से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को टीएमसी ने ऐसे समय में यह जिम्मेदारी दी है जब वो लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों से घिरी हुई है। पिछले दिनों ही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश की थी। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। इसके बाद महुआ ने कहा था कि वह अगले साल लोकसभा चुनाव में और अधिक वोटों से जीत कर आएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच का इस्तीफा, वर्ल्ड कप में भारत और अफगानिस्तान से हारी टीम 9 में से 4 मुकाबले ही जीत पाई। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्केल ने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने खुद इस बात की जानकारी दी है। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भारत में खेले जा रहे वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन किया, लिहाजा टीम लीग राउंड से ही बाहर हो गई। पाकिस्तान की टीम ने 9 में से 4 मुकाबले ही जीते और 8 अंकों के साथ टीम 8वें स्थान पर रही। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुसार मोर्नी मॉर्केल के कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वह इस साल जून में 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के साथ टीम से जुड़े थे। मॉर्केल का पहला असाइनमेंट श्रीलंका के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज थी। इस सीरीज को पाकिस्तान ने 2-0 से जीता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जिससे हुआ झगड़ा उसी डॉक्टर से मिलने पहुंचे कुमार विश्वास, भगवान राम की मूर्ति देकर माफी मांगी। जी हां दोस्तों, प्रख्यात कवि कुमार विश्वास दिवाली की शाम भगवान राम की प्रतिमा लेकर उस डॉक्टर के घर पहुंचे जिसके साथ हुए विवाद की वजह से वह बीते दिनों सुर्खियों में आ गए थे। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर पलवल वाजपेयी से माफी मांगी और उनके साथ ही दिवाली मनाई। बीते दिनों सुरक्षा कर्मियों से हुए विवाद के बाद विश्वास ने माफी मांगकर इस मामले का पटापेक्ष कर दिया। दरअसल दोस्तों बुधवार 8 नवंबर को कुमार विश्वास गाजियाबाद से अलीगढ़ एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान उनके वाहन को एक शख्स ने कार से टक्कर मार दी थी। उसने कुमार विश्वास के काफिले में चल रहे CRPF और पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया था। उधर डॉक्टर पलवल वाजपेयी ने आरोप लगा
किया गया था कि कुछ सशस्त्र कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की थी। इसके बाद पल्लव वाजपेयी ने मामले में गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस से शिकायत भी की। वाजपेयी ने आरोप लगाया कि उसके वाहन को टक्कर मारी गई है और कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों ने उन पर हमला भी किया। वहीं कुमार विश्वास की टीम की तरफ से भी थाने में शिकायत की गई थी कि उनके काफिले में एक कार घुस गई और उसने वाहनों को टक्कर मारने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों ने विरोध किया तो कार चालक ने हमला कर दिया। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कहा था कि हमले के आरोप साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में अब इस मामले को रफा दफा करने के लिए कुमार विश्वास ने शांति की अपील की और उनसे मिलकर इस मामले को निपटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 325 अंकों की गिरावट के साथ 64,933 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 82 अंक गिरा। SBI लाइफ टॉप लूजर और कोलडिया टॉप गेनर रहा। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 325 अंकों की गिरावट के साथ 64,933 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 82 अंकों की गिरावट रही, यह 19,443 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिली। NSE के सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ज्यादातर में गिरावट देखने को मिली। बैंक, MFCG, निफ्टी, IT की गिरावट, IT में भी गिरावट रही, जबकि निफ्टी मेटल और निफ्टी बैंक में तेजी रही। वही दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज कोलडिया, आइसर मोटर्स और हिंडाल्को रहे, जबकि टॉप लूजर्स में SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस और ग्रासिम इंडस्ट्रीज रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिटेल महंगाई 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। सब्जियों के सस्ते होने से अक्टूबर में 4.87% पर आई, सितंबर में 5.02% रही थी। जी हां दोस्तों, सब्जियों के दाम घटने से अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर घटकर 4.87% पर आ गई है। यह रिटेल महंगाई का 5 महीने का निचला स्तर है। सितंबर में यह 5.02% पर थी। वहीं खाने पीने की चीजों की महंगाई 6.62% से कम होकर 6.61% पर आ गई है। दोस्तों महंगाई के घटने से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC को अपने पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिव्यू एक्स्ट्रा कुशन मिलेगा। दर में 2.50% की बढ़ोतरी के बाद कमेटी ने इसे 4 बार स्थिर रखा है और उम्मीद है कि अगले महीने बैठक में भी ऐसा ही किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, 9 मई उग्रवादी संगठनों पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, मणिपुर में हुई हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने सोमवार को बड़ा एक्शन लिया। मंत्रालय ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर घातक हमले करने को लेकर 9 मई चरमपंथी संगठन और उनके सहयोगी संगठनों पर बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार जिन समूहों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है उनमें पीपल लिबरेशन आर्मी और इसके राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपल फ्रंट, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपल आर्मी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेमंड के MD गौतम सिंघानिया पत्नी नवाज से अलग हुए, 32 साल से साथ थे, बोले बच्चों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया 32 साल बाद अलग हो गए हैं। गौतम ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार की दीपावली पहले जैसी नहीं रहने वाली है, नवाज और मैं यहाँ से अलग अलग रास्ता अपनाएंगे, मैं उनसे अलग हो रहा हूँ जबकि हम वह सब कुछ करते रहेंगे जो हमारे दो अनमोल हीरे निहारिका और निशा के लिए बेहतर होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिलिस्तीन के समर्थन पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा से माइक छीना। नीदरलैंड्स की क्लाइमेट रैली में दूसरे एक्टिविस्ट्स ने कहा राजनीतिक राय नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसराइल और हमास की इस जंग को 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। इस बीच क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग नीदरलैंड में एक रैली में शामिल हुई। भाषण के दौरान उन्होंने जंग का मुद्दा उठाते हुए फिलिस्तीनियों के पक्ष में अपने विचार रखे। तभी एक दूसरा एक्टिविस्ट स्टेज पर आ गया। BBC के मुताबिक इस एक्टिविस्ट ने ग्रेटा के हाथ से माइक छीनकर कहा कि वो यहाँ क्लाइमेट पर बात करने आए हैं, उन्हें राजनीतिक राय नहीं चाहिए। इस पर ग्रेटा के समर्थकों ने उसे घेर लिया और उसे स्टेज से नीचे उतार दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भंग होने वाली है भारतीय बाजार की शांति। निवेशकों की उम्मीदों के विपरीत नतीजे आने पर
30% गिरावट संभव। जी हां दोस्तों, 6 महीने बाद अप्रैल मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में निवेशकों के उम्मीदों के मुताबिक चुनावी नतीजे नहीं आए तो भारतीय शेयर बाजार में 30% तक की गिरावट आ सकती है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक $3.7 ट्रिलियन वैल्यू वाले भारतीय शेयर बाजार की शांति भंग होने वाली है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में लगभग 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। मॉर्गन स्टैनली के रणनीतिकार रिदम देसाई ने एक नोट में लिखा कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया नाम की विपक्षी पार्टियों के अलायंस में अगर विश्वसनीय तरीके से सीटों का समझौता हो जाता है तो इससे चुनाव का ध्रुवीकरण होगा और चुनाव के नतीजे आने की जो भविष्यवाणी की जा रही है वो प्रभावित हो सकती है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक जो पिछले चुनाव का इतिहास रहा है उससे शेयर बाजार में तेजी जारी रह सकती है, लेकिन निवेशकों के अनुमानों और उम्मीदों के विपरीत नतीजे आए तो बाजार 30% तक नीचे फिसल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बनी टाइगर 3। दिवाली पर 100 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म। जी हां दोस्तों, सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। ये सलमान खान के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी टाइगर 3 का डंका बज रहा है। अब फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का आंकड़ा सामने आ गया है, जिसे जानकर सलमान खान के फैंस खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल दोस्तों, यशराज फिल्म्स ने ऑफिशियली इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए टाइगर 3 के वर्ल्ड वाइल्ड कलेक्शन की जानकारी दी, जिसके अनुसार दिवाली के दिन टाइगर 3 ने दुनिया भर में 94 करोड़ का कलेक्शन किया और यह सिनेमा के इतिहास में पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसने दिवाली के दिन सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। दरअसल दोस्तों, सलमान खान की टाइगर 3 ने इंटरनेशनल मार्केट में 41.50 करोड़ रुपए कमाए, जबकि भारत में इसकी कमाई 44.50 करोड़ रुपए रही और इसका ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 52.50 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल ने दोस्त को दिया तगड़ा झटका, टिकटॉक पर लगा दिया बैन। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीन से विवाद के बाद साल 2020 में भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए बड़ी संख्या में चाइनीज ऐप के खिलाफ कार्यवाही की थी। इस कड़ी में टिकटॉक को भी भारत में बैन कर दिया गया था। अब दोस्तों, भारत की तर्ज पर ही एक और देश टिकटॉक को बैन करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के पड़ोसी देश नेपाल ने यह निर्णय लिया है कि वो जल्द ही टिकटॉक को अपने देश में बैन कर देगा। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल कैबिनेट की बैठक में सामाजिक सद्भाव पर नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए टिकटॉक पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।